मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी लखनऊ में। जैसा कि सबको पता है कि जो अपकमिंग एनडीए के एग्जाम है वो 16 अप्रैल को है, उसी के प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी ने ऑफलाइन मॉक टेस्ट, जी हाँ ऑफलाइन मॉक टेस्ट अनाउंस किया है। और जिसका ऑफलाइन मॉक टेस्ट है वो फर्स्ट मॉक टेस्ट आज कंडक्ट कराया, जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाही मांगे। कैसा रहा बेटा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और इसे देख के हमें ये पता चला कि हम लोग कहाँ कहाँ ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है और क्या कौन सा पार्ट हमारा वीक है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो उस पर वर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमोहन शर्मा आपका वॉरियर डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम महामॉक की टेस्ट सीरीज लेके चल रहे थे, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस बार बच्चों को महामॉक कराएंगे और इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कि जब वो एग्जाम देने जाए तो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर एकदम से रिलीज रहे और वो आराम से एनडीए का पेपर दे और सुकून में पेपर दे के और खुशी खुशी बताए कि सर इस बार हमने एकदम मोर देन 500 नंबर्स ला के एग्जाम क्वालिफाई किया। तो आज उसी का पहला दिन है, पहला मॉक हम करा रहे हैं और आज हम बच्चों से जानेंगे कि वो कितना अच्छा कर पाए इसमें परफॉर्म और क्या क्या उन्होंने किया इसके बारे में बताएंगे। तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन इसी के साथ हम देना चाहते हैं कि ये तो हमारे बच्चे जो हैं WDA के, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मॉक दे सकते हैं, लेकिन और भी अगर कोई बच्चा यहाँ पे मॉक देना चाहता है तो आप हमारी साइट पे जाके देख सकते हैं, हमने आपके लिए भी मॉक की सीरीज शुरू की है। आप वहां पे रजिस्टर करके आप भी वहां पे मॉक दे सकते हैं और आप अपने एनडीए में ज्वाइन करने का सपना साकार कर सकते हैं। कुमार जी, तो पिंटू कुमार जी आपका पेपर आपने दिया मैथ का भी आज, साथ में जीएटी का भी दिया, तो आपको दोनों पेपर देख के क्या लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है। आपसे एक सवाल है, मैं पूछना चाहूँ कि आपको क्या लग रहा है कि आप एनडीए के करीब पहुंच रहे हैं? जी सर। कितना 100%, 80%, 90% आपकी तैयारी के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? सर 80%। 80% आप यहाँ पे आज पहला मॉक देके आपको फील आ रहा है, तो अभी आपकी और भी क्लासेस बाकी है, साथ में मॉक भी बाकी है, तो आप टीचर्स जो ने पढ़ाया वही आया आपके सिलेबस में यहाँ पे आपने जब टेस्ट दिया तो? जी सर वो आया और खुद से सर ने बोला था कि अलग से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन, इसलिए कि ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कराई जा सके। जी तो आप ओवरऑल मॉक को कितना पर देना चाहेंगे, अगर 10 में से मैं आपको बोलूं रेटिंग करने के लिए तो आप ओवरऑल मॉक को कितना रेटिंग करना चाहेंगे? 10 में से 10 देना चाहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपने पहले पेपर में कितना अटेम्प्ट किया बेटा मैथ में? सर मैथ्स में 80 के अबव है, बहुत अच्छे। और जीएटी में आपने कितना किया है? सर 70। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मोर देन 500 मार्क्स स्कोर करने का हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 80 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी मोर देन 500 पहले मार्क्स से ही वो ट्राई करना शुरू कर दिया हमारे बच्चे, और ये बहुत ही प्राउड की बात है। कांग्रेचुलेशन आपको कि आप इतना नंबर ला रहे हैं। सभी को जय हिंद, मैं ब्रजेश कुमार वॉरियर डिफेंस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। आज बच्चों का यूपीएससी लेवल पे जैसा एग्जाम होता है, एनडीए का मॉक फर्स्ट रखा गया था, बच्चों ने पहले शिफ्ट में मैथ का पेपर दिया और दूसरे शिफ्ट में जीएटी का दिया। तो अब हम बच्चों से जानेंगे कि बच्चों की तैयारी कैसी रही, उन्हें पेपर कैसा लगा और उनकी क्या आगे तैयारी होगी, और उसी के रिगार्डिंग हम बच्चों से बात करते हैं। Oh,
आपने जो जेटी का पेपर दिया, ओवरऑल कितने क्वेश्चंस किए और कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर के बारे में? सर ओवरऑल मैंने 88 क्वेश्चंस के आसपास किए हैं, पेपर का लेवल अच्छा रहने की जी। जो मैं लास्ट टाइम लास्ट एग्जाम दे रखे एनडी के लेवल पेपर जो था एग्जाम का, मैंने इसका लेवल उसी बाबत था, उससे थोड़ा हाई था, तो सर ओवरऑल कहते हैं पेपर अच्छा आया था। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कैसा ओवरऑल रहा कि कौन सा सेगमेंट आपको ज्यादा हार्ड लगा या कौन सा बहुत इजी लग रहा है कि आपने सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट सिलेबस पूरा कराया जा चुका है और आपका कौन सा सेगमेंट तैयार और कहां लग रहा है कि अभी और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है? सर मैंने लगभग 88 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें से मैंने इंग्लिश में 46 क्वेश्चंस किए और मेरे चांसेस लगभग 44 क्वेश्चन लगभग सही है मेरे इंग्लिश में। सर मुझे इंग्लिश यानी मॉडरेट लगा, यानी इजी था जी। और सर मैंने कहते हैं साइंस में भी क्वेश्चन सही बाकी किए, तो सर साइंस भी इजी था मगर एज कम्पेयर टू पॉलिटी एंड ज्योग्राफी सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई। तो मतलब आपको क्वालिटी और ज्योग्राफी इन सब में जीएस में भी थोड़ी मेहनत की जरूरत है। करंट अफेयर भी क्वेश्चंस में रहे हैं, तो करंट अफेयर आपको कैसा लगा? करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी 10 क्वेश्चन आप में आते हैं एनडीए में, तो आपको करंट अफेयर का सेगमेंट कैसा लगा? अच्छा था, यानी कि जो खाली क्वेश्चंस थे वो वही आए थे, तो सर जो डेली पार्ट है करंट अफेयर उसके हिसाब से एकदम क्वेश्चंस एकदम अच्छे थे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आपका।